बिहार में नगर निकाय चुनाव चल रहा था, सभी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, नॉमिनेशन भी कैंडिडेट भर चुके थे, लेकिन कल हाईकोर्ट का फैसला आया कि जो अति पिछड़ा सीट किया गया है उसको रद्द किया जाएगा। लेकिन बिहार निर्वाचन आयोग ने सभी चुनाव को स्थगित कर दिया। अब बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन भाजपा जो है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। वो सीधा सीधा नीतीश कुमार को इस मामले में दोषी मान रही है। सम्राट चौधरी जो विपक्ष के नेता है विधान परिषद में, उन्होंने आज सीधा सीधा नीतीश कुमार पर आरोप लगाया और कहा कि बिहार सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इससे पहले बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और उस सत्र में ये कहे कि हम अति पिछड़ों को आरक्षण देने जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी। महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो आप बड़ा स्पष्ट है, यहां तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है। हमने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि दो चीज बड़ा मुद्दा है, कि नीतीश कुमार के जिद में बिहार चलेगा कि बिहार के जनता के हितकारी चीजों के लिए बिहार चलेगा। बिहार में अति पिछड़े का सम्मान किसने डुबाया? नीतीश कुमार ने। मैंने कहा कि पंचायती राज मंत्री के हैसियत से मैंने अनुशंसा किया कि आयोग का गठन किया जाए, एडवोकेट जनरल की सहमति प्राप्त। नगर विकास विभाग तारकिशोर जी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उन्होंने अनुशंसा किया। क्या परिस्थिति बना कि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं 2005 में मैंने एक कमेटी का गठन किया था? तो नीतीश जी कल खाना खाए थे तो आज तो खाना नहीं खाएंगे आप, यही कहना है उनका। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2021 में आया और ये बात कर रहे हैं 2005 की, तो ये अति पिछड़ों के सम्मान की बात है। अति पिछड़ों के प्रति अपमान जो नीतीश कुमार की सरकार ने किया है इसके प्रति। और सबसे बड़ा चीज है कि हाई कोर्ट ने भी कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र काम करे, नीतीश कुमार के प्रेशर में काम नहीं करे। नीतीश कुमार ने जबरदस्ती अपने जीत में बिहार में नगर निकाय का चुनाव कराने का काम किया, ये मैं सीधा आरोप हूं। और मैं तो इसका उपाय भी बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट आप चले, लेकिन इसके पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, विधानसभा में संकल्प लीजिए कि अति पिछड़े को आरक्षण देंगे और एक आयोग का गठन कीजिए। आयोग का गठन नहीं करेंगे तो प्रथम दृष्टिया सुप्रीम कोर्ट में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा, इसलिए वो वकीलों से भी राय ले ले, क्योंकि आजकल जो कुछ लोग सलाहकार हैं उनको डुबाने का ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए इससे बचने की जरूरत है। बिहार के हम लोगों की लड़ाई भाजपा जदयू की हो सकती है, राष्ट्रीय जनता दल से हो सकती है, लेकिन भाजपा अति पिछड़ों के सम्मान के लिए कहीं भी सर झुकाने के लिए तैयार है। तो सुना आपने सम्राट चौधरी को, जो साफ तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार पर हमलावर थे। उनका कहना है कि लालू यादव हमेशा से ही दलितों अति पिछड़ों को कभी भी आरक्षण नहीं देने के हक में रहे, लेकिन भाजपा ने हमेशा अति पिछड़ों के लिए काम किया है। जब मंडल कमीशन लागू करना था तो भाजपा ने उसमें सहयोग किया, और अब जो है नीतीश कुमार लालू यादव के दबाव में अति पिछड़ों का हकमारी कर रही है, उसको आरक्षण नहीं देना चाहती है। जो भी प्रक्रिया हुई है, जो भी उम्मीदवारों का लॉस हुआ है, सब में दोषी जो है एकमात्र लोग है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ, धन्यवाद।